Hey guys, अभी हम लोग हैं दरभंगा के रास्ते में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ठीक NH 57 है और अभी हम लोग जा रहे हैं मिथिला हाट घूमने के लिए। तो आप लोग को भी मिथिला हाट घुमाते हैं। क्या जा रहा है मिथिला बना दिया पूरा, आज घूमेगा ना। नीतीश कुमार उद्घाटन किया, बड़ा हाईटेक है। चलो जाएगा, देखने के बाद कितना मजा आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी मिथिला हाट घूमने जा रहे हैं। आप रोड को देखिए, पूरा स्ट्रीट लाइट से पूरा झगझगा दिया गया नीतीश कुमार द्वारा। हम लोग मिथिला हाट घुमाते हैं और हम लोग भी घूमते हैं, आप लोग को भी घुमाते हैं। तो चलिए, इरा हम लोग का बाइक, इसी से चलेंगे आज। इरा मिथिला हाट का बोर्ड और चलिए फिर, ये रोड है, इसी रोड से जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। टिकट काउंटर यही है। अय्या, ये लग रहा ठीक है जैसे बुद्धा। कौन पार्क है? दोस्तों हम लोगों ने जो है दो टिकट लिया है, 20 रुपए की यह टिकट पड़ी। एक आज हम लोग मिथिला हाट के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यह मिथिला हाट है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी यूनिक बनाया गया है, काफ़ी हाईटेक। और आप देख सकते हैं यह जो लेक है सामने, ये लेक, इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। और वो सामने आप देख रहे हैं बोटिंग वाला है। यहाँ बहुत सारे, मतलब यह जो मिथिला हट है हमारे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ सामने एक फूड कोर्ट भी है, रेस्टोरेंट है। अब यहाँ घूमते घूमते अगर थक जाए तो आप यहाँ रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं, अपना स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, जो भी है आप यहाँ खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यह रहा मिथिला हाट और भाई अपना वीडियो बना रहा है। यहाँ बेकरी का सिस्टम है। अब सुबह का टाइम है इसलिए जो है अभी साफ़ सफाई हो रहा है। और आप देख सकते हैं यह जो है सचर ओपन फूड कोर्ट, यह आपको यहाँ स्नैक्स वगैरह मिलेगा। देखिए आप, बेकरी है और वहाँ काफ़ी सारी ड्रिंक्स है। और यहाँ ध्यान में रखते हुए यहाँ बैठने के लिए उनका इंतजाम किया भाई, कि आराम से बैठ सकते हैं, रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं, वहाँ चाय पी सकते हैं। अब देख सकते हैं, और यह रहा आपको यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह। अब यहाँ इसको पार्क भी बोल सकते हैं, या काफ़ी यूनिक और काफ़ी हाईटेक पार्क भी बोल सकते हैं। यहाँ लोग अपने टाइम, मिथिला में अगर घूमने का सबसे अच्छा जगह कोई है तो आप यहाँ आइए, मिथिला हट घूमिए। यहाँ आप घूम के एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पे, वेल मेंटेन। आप जैसे कि देख सकते हैं, कभी यहाँ कहा जाता है कि आप शाम में आएंगे तो काफ़ी और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ की लाइटिंग की जो सुविधा है वो आप यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तो कभी आप आइएगा तो शाम में आइएगा, हम लोग तो सुबह सुबह आ गए हैं। तो चलिए, फिर भी काफ़ी सुंदर है। अब यहाँ हरियाली को देख सकते हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग, मतलब अच्छी अच्छी बिल्डिंग, छोटे छोटे घर, इस तरह का यह मिथिला हाट है। आपको, आप इसको हाईटेक पार्क भी कह सकते हैं एक तरह से। और यहाँ बहुत सारे फ्लावर, हम लोग घूम के जो है मिथिला हट से बाहर जा रहे हैं। और
कैसा लगा आपको ये मिथिला हाट बताइए। आज छोटे पकड़ लेंगे।